इधर धमतरी जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डॉक्टर सिविल सर्जन यूएल कौशिक के तबादले से नाराज हैं, साथ ही कलेक्टर पर डॉक्टरों से बदसलूकी का आरोप लगा है। वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद कलेक्टर ने सिविल सर्जन को वापस बुलाया। जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के काम पर लौटने से मरीजों ने राहत की सांस ली। दरअसल कलेक्टर ने महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजने पर सिविल सर्जन का तबादला कर दिया था। अंकुर तिवारी हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए। अंकुर, ये पूरा मामला क्या है और अब किस तरीके से वापसी यहां पर हुई है? तो डॉक्टर्स के काम पर लौटने से राहत की सांस मरीजों ने ली। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी तो सिविल सर्जन यूएल कौशिक के तबादले से नाराजगी यहां पर डॉक्टर्स में बढ़ी थी। धमतरी का पूरा मामला है। डॉक्टर ने कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया इस तबादले के बाद और डॉक्टर को वापस मजबूरन यहां पर बुलाया गया। डॉक्टरों ने दबाव बढ़ाया था प्रशासन पर, तो हड़ताल के बाद कलेक्टर ने सिविल सर्जन को वापस बुलाया। अंकुर तिवारी एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ गए। अंकुर, ये पूरा माजरा क्या है आखिरकार और किस तरीके से अब सर्जन की वापसी हुई है यहाँ पर? एक सौ के पीएम में लापरवाही का ये मामला था और इसके बाद कलेक्टर तक जब इसकी शिकायत पहुंची तब उन्होंने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर यूएल कौशिक को हटा दिया और उनके हटाए जाने के बाद जब इस बात की जानकारी जिला अस्पताल के डॉक्टरों को लगी तब वे नाराज हो गए और उन्होंने कलेक्टर पे आरोप भी लगाया और इसके बाद उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। और जैसे ही डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में काम बंद किया मरीजों की परेशानी बढ़ गई। इसके बाद हड़ताल भी किया, उन्होंने प्रदर्शन किया आज और इसके बाद फिर कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने डॉक्टरों से बात की और जो सिविल सर्जन है उनको वापस बुलाया गया है। इसके बाद डॉक्टर फिर से काम पर लौट आए हैं और अब जिला अस्पताल की स्थिति सामान्य हो गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम